खरगोन में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की अगुवाई में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पेंशन रथ यात्रा के पहुंचने पर भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। रथ यात्रा में सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे। रात में पहुंची यात्रा का विभिन्न कर्मचारी संगठनों सहित स्थानीय विधायक रवि जोशी ने बावड़ी बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पुराने पेंशन को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई का कर्मचारियों ने मूड बना लिया है। करीब 6 घंटे लेट पहुंची रथ यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। रात हो जाने के बाद भी शहर की सड़कों पर कर्मचारियों का जमावड़ा देखा गया है। एनएमओपीएस के बैनर तले 1 जून से गांधी जी के चंपारण बिहार से यात्रा शुरू हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होकर आज मध्य प्रदेश आई है और अगले कल निकल जाएगी महाराष्ट्र। हमारा एक उद्देश्य एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। एनपीएस से जहां हमारा भविष्य खराब हो रहा है, निजीकरण से वर्तमान खराब हो रहा। सरकार से हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो। ये विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में, उसको लेकर किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, हम सरकार से मांग करते हैं हमारी पेंशन बहाल करते, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका साथ देते हैं, लेकिन सरकार अगर नहीं बहाल करती है तो हम विधानसभा चुनाव में वोट की चोट मारेंगे। जो हमारे पुरानी पेंशन चोट मारेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।